सो वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल गाइस अच्छा नेक्स्ट आज आपके लिए एक और वीडियो लाया है और ये वीडियो अपनी भाई मतलब वैगनार के माइलेज के ऊपर रहने वाली है। और मैं कह रहा हूँ जो माइलेज मैंने आज निकाली है, हालांकि देखो पूरा प्रॉपर प्रूफ तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा, बट मैं आपको काफ़ी हद तक चीज़ें दिखा दूंगा कि क्या क्या था। और जो माइलेज मैंने आज निकाली शायद ही किसी ने निकाली होगी, मेरे को नहीं पता। कंपनी 35 क्लेम करती है, बट मेरे को लग रहा है कि आज तो इसने कमाल ही कर दिया, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये तो मेरे को कोई शौक नहीं है, सच बताऊँ, मतलब वीडियो बनाने का शौक है, बट ऐसे झूठे करते हैं, मेरे को बनाने का कोई भी शौक नहीं है। अभी भाई मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी गाड़ी में 50 PSI है, ये देख लो आप, ठीक है। और जब मैं लेके चला था गाड़ी, तो गाड़ी में थी यहाँ पे 150 PSI था, यहाँ पे थी 150 से थोड़ा सा फालतू था, यहाँ पे था, यहाँ पे समवेयर, ठीक है। तो 100 PSI गई है, अगर पूरे 200 PSI में इसमें आती है 8 किलो गैस, तो अभी 8 किलो को मैं डिवाइड करूँ, एक मिनट, 2, 4, 6, 8, मतलब कि 50 PSI में आएगी 2 किलो, 2, 4, 6, 8, हाँ 50, तो 2 किलो गैस आती है अभी, मतलब कि गाड़ी में 2 किलो गैस है। और 100 PSI में कितनी हो गई, 4 किलो गैस हो गई, ठीक है। और 4 किलो गैस हो गई। अभी मैं सिर्फ कुछ नहीं बता रहा कि मैं कहाँ से चला था, क्या चला था, कुछ नहीं, जस्ट आप सीधा ना ये देखो, ट्रिप ए है ना, ट्रिप ए है अपना 211.5 किलोमीटर, ठीक है जी, 211.5 किलोमीटर। भाई चाहे अगर किसी को मेरी बात पे विश्वास ना हो तो कैलकुलेशन कर लेना कि 200 PSI में कितनी गैस आती है, तो इसमें मैक्सिमम 8 किलो आती है। बाकी आप एक बार चाहे 210 तक PSI में 8 किलो तक आ जाती है, अच्छी खासी है भर के, यहाँ तक जो होती है ना वो वाली। अब ये लगा लो कि ये 4 किलो गैस में 211 किलोमीटर चली है भाई, ठीक है, 4 किलो, 4 मान लो, 4 से 100-200 ग्राम और ऊपर मान लो, ये चली है 211 किलोमीटर। और 211 किलोमीटर चली है तो इसका मतलब अब आप लगा लो भाई, कैलकुलेशन कर लो, सीधे सीधे मैं बताऊँ, कोई बहुत मोटा मोटा कैलकुलेशन नहीं है, 50 किलोमीटर पर केजी की माइलेज दी है भाई गाड़ी ने, 50 किलोमीटर पर केजी की, ठीक है जी, क्योंकि 1 किलो में 50, 2 किलो में 100, 3 किलो में 150 और 4 किलो में 200, तो ये तो 50 को भी क्रॉस कर गई हद मार के है, बट सेफ साइड के लिए 50-55 की एवरेज दी है भाई आज गाड़ी ने। अब मैं यार पता है मेरे को भी विश्वास नहीं हो रहा, सच बताऊँ कि भाई मैं जब अमृतसर से आ रहा था ना, तब मैंने निकाली थी गाड़ी की 35 की एवरेज, 35 प्लस की निकाली थी, मतलब कि हद मार के 35.5 के बीच में होगा कहीं ना कहीं, 35 प्लस मान लो या 35 भी मान लो, कोई ऐसी बात नहीं है, है ना। और अभी तो भाई मतलब कि 211.5 डिवाइड बाय 4, 52.87 समवेयर 53 की, भाई साहब 53 किलोमीटर पर केजी की माइलेज निकाली है गाड़ी ने आज, 53। मैं अगर मेरे को कसम से अगर मेरे को ऐसा पता होता ना कि गाड़ी आज ऐसा परफॉर्म करेगी, मैं फोटो खींचता भगवान कसम। मैंने जब मैं घर से लेके चला था ना, तब थी इसमें 150 के आसपास थी, और मैंने वहाँ पे जसोला पे गैस डलवाई थी, तो इसमें आई थी 600 ग्राम आई थी, क्योंकि उनका प्रेशर था कम, उनका भी समवेयर 150 से हल्का सा ऊपर था, हल्का सा, तो 600 ग्राम आई। और ये भी मैं बता दूं कितने रुपए की आई थी, 46 पॉइंट समथिंग की आई थी, 46 रुपए की आई थी, 46-47
रुपए की आई थी, अब 46-47 रुपए की आप लगा लेना कितनी आई होगी। देखो मैं कहीं कोई कैलकुलेशन करके नहीं बता रहा हूँ, सीधा ऐसी बता रहा हूँ जो जो मैंने मतलब अभी हुआ है, आज मैंने जो जो भी हुआ है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो 46 रुपए की आई थी, अब आप चाहे खुद कैलकुलेट कर लेना कि दिल्ली में क्या रेट है और 46 रुपए की कितनी आएगी, उतनी आई है। बाकी मैं बता रहा हूँ 600 ग्राम समथिंग आई है, और ना ना करते हुए ये भाई आपके सामने वो है। 600 ग्राम में भी लगा लो तो थोड़ा सा और बढ़ गए होंगे, मतलब 150 से थोड़ा सा और इतनी यहाँ से इतनी वहाँ तक चल के भी गई थी, मतलब 3-4 किलोमीटर चली थी, जसोला भरवाई थी मैंने। तो भाई लगा लो आप, मतलब कि 4.5 मान लो, चलो इसको ना हम ले लेते हैं, जब भी 4.5 मान लो, हाँ 4.5, तो 47 की एवरेज आ रही है, तब भी 47 की एवरेज आ रही है ये लगा लो। बट मेरे को लगता है पूरी 50 ही दी है इसने, जो मेरे को लग रहा है ना, मतलब 53 मतलब 47, पूरी 50 दी है इसने, बाकी सब कुछ आपके सामने ही है। हाँ मतलब यही लगा लो 47-50 के भी इसमें भाई, बाकी मतलब आज तो मैं बता देता हूँ मैंने गाड़ी कैसे चलाई थी। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अब भाई कोई कहे कि भाई तूने क्या गाड़ी कंधे पर उठा के लेके गया था क्या, भाई गाड़ी मेरी चल रही थी, ये स्पीडोमीटर है, गाड़ी मेरी यहाँ पे थी, सुई मेरी यहाँ पे थी 90 पे, ठीक है जी, ये 90 पे थी सुई, 117 90 पे, और मैं गया था गढ़मुक्तेश्वर। और भाई मैं एक और चीज़ मैं करता हूँ, वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे मेरे को दिख रहा है ना कि सामने जाम है, या सामने कुछ भी ऐसा आ रहा है कि मेरे को ब्रेक लगाने पड़ेंगे, मैं गाड़ी न्यूट्रल छोड़ देता हूँ और गाड़ी फिर आहिस्ता आहिस्ता जाती है, वहाँ तक जाके स्लो डाउन हो जाती है, और थोड़ी बहुत ब्रेक मैं अप्लाई कर देता हूँ, जितनी अकॉर्डिंगली रोड के अकॉर्डिंगली मैं अपने ब्रेक अप्लाई कर देता हूँ। तो उससे क्या है कि ब्रेक की वियर एंड टियर भी कम होती है, और इंजन भी आइडल कंडीशन में आ जाता है, मतलब कि 800 RPM पे उसको कूल डाउन होने का भी टाइम मिल जाता है, और अपनी गाड़ी भी चलती रहती है और एवरेज भी बढ़ जाती है, क्योंकि भाई गाड़ी तो टायर तो चल रही है, सुई तो है ऊपर ही है, तो वो तो चलते ही रहेंगे और एवरेज अप हो जाएगी, तो वो वाला सीन भी है इसमें। और मतलब यही दो मेन वो है जो मैं नॉर्मली अप्लाई करता हूँ, और बाकी बहुत हाई RPM पे नहीं ले जाता हूँ। बल्कि यार आज मैं सोच भी रहा था कि मैं इसके देखूँ कि हम कितने RPM पे, क्योंकि इसमें RPM टैकोमीटर कहीं है नहीं, तो मेरे पास OBD पड़ा है, मैं चाह रहा था कि OBD लगा के फ़ोन से कनेक्ट करके और फ़ोन में RPM आ जाते हैं, फिर मैं फ़ोन को वहाँ पे रख के और मैं देखता कि यार हम कितने RPM पे गियर चेंज करते हैं, 90-100 कितने RPM पे जाती है। जैसे कि मेरी डस्टर है वो जाती है भाई 2900 RPM पे जाती है, वो 90 पे जाती है 2900 RPM पे, मतलब कि 3000 पे आई थिंक 100 जाएगी समवेयर, ये सीन है। तो ऐसे ही मेरे को इसका भी देखना था कि इसका कितना जाती है। बाकी भाई वीडियो अगर आपको आई है पसंद तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन भी दबा दे। टिल देन मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे विद यू फॉर यू ऑलवेज, बाय बाय।